subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. की लाश कॉलेज के पीछे वाली गटर में फेंक दो। गटर? हाँ, गटर। चलो। ओ कट इट, बल्ले बल्ले बल्ले। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ ठीक है। अबे थैंक यू किस बात के लिए कह रहे हैं? अरे वो गन वाले। डोंट वरी। लो पकड़ पकड़ पकड़। चलो शाम को मिलता हूँ। डांस भी करवा। थैंक यू सो मच सर, सो मच थैंक यू। आपने मुझे ब्रेक दिया। कोई गल नहीं, कोई साला डायरेक्टर नहीं बनने देगा। अरे बावड़े हो, छह सारे डायरेक्टर बनने आए थे यहाँ पर, एक्टिंग करा रही है यार। ये गटर ऑर्डर भी कोई डायलॉग होता है? जब से फिल्म शुरू किया तब से एक्शन करवा रहा है। तू लोड ना लिया कर भाई, अभी भी दो दिन बाकी है। दो दिन पार्टी के लिए? अरे सुनो, पार्टी तुम्हारी वर्मा बना देगा।
अगर कुछ दिनों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं सबमिट की फिर करते रहना एक्टिंग, समझ रहे हो? वो भी एक्शन। दो दिन 48 घंटे। कल रात मैंने तन्हाई में तुझे देख लिया अंगड़ाई में, मेरी नींदें बींदें हो गई छू, मैं जल गया आग पराई में, ये नींद उड़े तो उड़ने दे, पर नैनों से नैना जुड़े भी करवा लिया। हां जी आ जाओ आ जाओ। कमाल करता जी, कमाल करता जी। हां डांस करवा लिया ना, एक्टिंग भी करवा ली। आज तू फेल करता डांस विच जी। छा के जी तू से। चलो ओके ओके ओके। सुपर हिट मार। बिल्कुल सुपर हिट जाए। सुपर हिट मार अपनी। ओ बिल्कुल सुपर हिट मार। ये भी गुदार यार। चलो हो गया काम बगैर। अबे और उस कुकरेजवा को देखो। कुकरेजा उधर खत्म हो गया सारा कुछ। हर चौथे दिन एक्टिंग करने को बुला लेता। एक्टिंग सर तेरा दोस्त है यार इसलिए। अरे घंटा दोस्त है, हैं? बेशुम बेशुम एक्शन करवा रहा है हमसे। हम यहाँ डायरेक्टर बनने आए, एक्टर थोड़ा ना बनने आए या डांसर बनेंगे। कोई नहीं बनने देगा डायरेक्टर। अच्छा सुन 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 बोल बोल बोल। हम मनाएंगे पिक्चर, हम मनाएंगे पिक्चर। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बनाई किसी ने पिक्चर बनाई है भाई? डायरेक्टर का नाम नहीं मालूम लेकिन हासिल रंग दे बसंती फेवरेट। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की। पौवा पी के हर इंसान सरफरोश बन जाता है भाई।
आग होनी चाहिए आग अंदर, समझ रहे हो? हम बदलेंगे इंडियन सिनेमा, समझ रहे हो? ओ हेलो एक्शन एक्टर कम हियर, आ जाओ। अरे मेरी सू की बहन मुंह तो बैठी रहे, सिट डाउन बैठो। हम यहाँ सरकारें गिरा रहे हैं और तुम वहाँ इंटरनेशनल सरकार बना रहे हो। सेटिंग कर रहा था यार, देखो डायरेक्ट इंटरनेशनल हॉलीवुड जाएंगे ना अपन, जाएंगे हाँ। इंटरनेशनल डायरेक्टर बनेंगे। अबे तू नहीं भी बोलेगा तब भी जाएंगे। एकदम सही बोला यार तूने, एकदम सही बोला। के सही बोल रहा है भाई, कल वर्मा पूछेगा तो ना है सब्जेक्ट ना है प्रोजेक्ट, हाथ में घंटा है, देख ले हाथ के सारी लकीरें मिटा रखी है। वो यार उसकी सही है। हिमाचल के हरिपेट जंगल में लोगों के गायब होने का सिलसिला अब भी जारी है। आसपास के गांवों के लोगों का ये कहना है कि यहाँ किसी भूतप्रेत का निवास है। लोगों का ये भी कहना है कि कई सालों पहले भी इसी तरह का वाकया इस गांव के भाई मिल गया। के मिल गया तेरे को? ए, मिल गया। कौन मिल गया भाई? मिल गया। टीवी देख। और यहाँ की टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ सकता है। मिला। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज इतनी जल्दी उठ गए तुम। वैसे बाय द वे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम्हारे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सबमिट कराना भी है या बस सोचते ही रहोगे उस बारे में? वैसे डोंट माइंड, एक बात कहूँ, जब तक तुम्हारे वो निकम्मे दोस्त तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा कोई भी काम टाइम पर नहीं हो सकता। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या मैं दीवारों से बात कर रही हूँ? और ये क्या काम कर रहे हो तुम सुबह से? हरिपीठ जंगल, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है? हाँ, है ना इंटरेस्टिंग? नो रवि, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता है इस जगह में कितनी रिस्क है? रश्मि, तुम भी इन सब चीजों में बिलीव करती हो? सुपरस्टिशन, बलि, ये वो सब बकवास है, एंड आई विल प्रूव इट। यू नो दिस, ये सब बातें मैं नहीं जानती। तुम इस जगह पे नहीं जाओगे बस। देखो रश्मि, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, तुमने मेरी तो सुननी है नहीं, जो तुम्हारे मन में आएगा वही करोगे। तो जब सोच ही लिया है तो बता ही क्यों। No, you can't do this. Can't? लेकिन क्यों? एक नहीं, हजार reasons हैं। जैसे? सबसे पहले तो we are not going to interfere in any religious decision, okay? तुम कोई दूसरा project ले लो। तो सर आप क्या चाहते हैं? कि हम लोग भी वही जो सब लोग करते हैं वही करें? Poverty, बार डांसर्स, चाइल्ड लेबर, इन सब चीजों के ऊपर हम भी अपना प्रोजेक्ट बनाएं, या टूरिज्म के नाम पे लैंडस्केप शूट करें और होटल की स्पॉन्सरशिप भी लगा दें? नहीं नहीं नहीं, लेट मी टेल यू फ्रैंकली गाइस, ये डॉक्यूमेंट्स तुमने भी पढ़े होंगे, इस प्रथा का अब तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दे सका है। मोर देन 15 पीपल आर मिसिंग, एक जर्नलिस्ट भी गायब है पिछले 6 सालों से। ये प्रोजेक्ट कॉलेज की एक्टिविटी है एंड कॉलेज इज आंसरेबल टू योर पेरेंट्स। हम तुम्हारे एडवेंचर के लिए कॉलेज की रेपुटेशन दांव पर नहीं लगा सकते, अंडरस्टैंड? सो बेसिकली यू वांट अस टू डू टेबल जर्नलिज्म, वही हो गया ना सर? आप लोग यही समझते हैं कि हम टेबल पे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें,
और बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाए। डोंट बी सार्कास्टिक सर, देश के सारे नौजवान बावले हो गए हैं सर, देश की चिंता ना है किसी को सर। सर अब हम नहीं चाहते कि हमारी गिनती उन लोगों में से की जाए सर, सिपाही है सर सिपाही, और हमारे नेताओं ने तो हमें यही सिखाया सर, नौजवान देश का सिपाही होता है सर, और सर उसे सिर्फ गोली चलाना नहीं सिखाते, गोली खाना भी सिखाते देश के लिए। यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिम मर जाएंगे ना, शहीद हो जाएंगे, सही काम के लिए हम तैयार हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अबे क्यों हो गया भाई, ज्यादा भय क्या? यू गाइस आर क्रेजी। ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, आप लोग अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाइए कि वो इसके जिम्मेदार हैं। यार प्रोफेसर ने बड़े झमेले में डाल दिया। कौन से झमेले यार, माँ साइन नहीं करेगी। अबे हैरान हलवाई, तुझे क्या लगता है चौधरी साहब साइन कर देंगे क्या? रवि यार प्लीज, तू ही कुछ कर सकता है यार, दिमाग लगाने के अलग पैसे लेता है जाट। अबे तू लगा ना अपनी जाट बुद्धि, जाट फूट ले के झेट के। छोड़ो ना यार, बचपन में तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे माँ बाप साइन करते थे क्या? मेरे तो करते थे, मेरे लाल पीले नीले तू करवा ले। अरे नहीं करेगी साइन। हाँ बत्रा, अच्छा सुनो, वो पेपर्स शिव कंस्ट्रक्शन के नाम से बनाना। हाँ शिव कंस्ट्रक्शन के नाम से। हाँ अच्छा, वो नई बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट का क्या हुआ? हाँ हाँ, नई नई बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट लेकर के कल ऑफिस में मिलो मुझसे। हाँ हाँ कल। हाँ ओके। ये शिव इधर आ, बात करनी है तेरे से। ये क्या नया चल रहा है मुझे समझाएगा कुछ? वो ड्राइवर कह रहा था 6-7 दिन के लिए जीप लेके बाहर जा रहा है तू, और साथ में वो रवि और सनी को भी ले जा रहा है। अरे 1000 बार बोल चुका हूं कि भैया ये नौटंकी कॉलेज के लिए छोड़ दे, घर का इतना बड़ा बिजनेस है, कुछ MBA कर, गो फॉर हायर स्टडीज इन लंदन अमेरिका, लेकिन नहीं, तेरे को तो मास कॉमगिरी करनी है, रस्ते पे घूमना है मदारी की तरह माइक लेके। अब ठूंठ की तरह चुपचाप खड़ा रहेगा या कुछ बोलेगा भी? ये अभी तो पढ़ा ही है, प्रोफेसर कहे कि ये कंपलसरी है तो जाना जरूरी है। गुड नाइट। के गुड नाइट है? तेरी हर चीज जरूरी है तेरे लिए? क्या क्या साबित करना चाहता है तू? कोई जिद है तेरी? सब कुछ है तेरे पास, ये आलीशान घर है, गाड़ी है, ऐशो आराम है, पैसा है, बता किस चीज की कमी होने दी है मैंने तेरे को? ये बात तो बिल्कुल सही कही चौधरी साहब, पैसों की ही तो कभी कमी महसूस नहीं करने दी आपने। गुड नाइट। ओके गो अहेड, बट बी केयरफुल। थैंक यू सर। निकी सुन, मुझे नहीं सुनना प्लीज, मेरी निकी प्लीज, मुझे नहीं सुनना, माँ को तो समझा देना। अरे पर मुझे तो पूरी बात समझाओ के है क्या? अरे बाबा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, बस 6-7 दिन में वापस आ जाऊंगा। अच्छा तो तुम पिकनिक करने जा रहे हो? अरे मुझे भी तो बताओ कौन कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, आप रोटी बनाओ, कुछ नहीं। पिकनिक? पागल है तू? अरे बाबा हम लोग सीरियस है, तुझे पता है क्लास में कितना कॉम्पिटिशन है? अच्छा क्लास में कभी बैठे हो? बैठे नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग है सीरियस। अरे भाई ये क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? वो खिचड़ी नहीं माँ, यहाँ तो पूरा का पूरा पुलाव बन चुका है। माँ आप, मैं पुलाव नहीं खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, आप रोटी बनाओ। अच्छा भैया पुलाव, पुलाव क्या है? क्या कर रही है तू निकी यार? देख तू मेरी अच्छी बहन नहीं है, बता ना माँ को मैं आने के बाद तुझे एक लेटेस्ट पिक्चर दिखाऊंगा। पिक्चर? एक ही? आने के बाद मैं माँ से तेरी और अमित की बात कर लूंगा। भैया आपको पता है
भाई हूँ तेरा, सब समझता हूँ। अच्छा लड़का है अमित, मैं बात कर लूंगा माँ से। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ, तू माँ को सब समझा दे। ओके ओके बाय बाय बाय। वो कहाँ गया है? कहीं नहीं, पिक्चर। पिक्चर? लेकिन बैग लेके? ये दोबारा हाथ ना लगाए मुझे। अबे तू जैसा जाट को कौन हाथ लगाएगा। अच्छा सुन, तूने खाने पीने का सब इंतजाम कर लिया ना? भाई खाने का पता नहीं, पीने का पूरा इंतजाम कर रखा है मैंने। बॉटल, कैन, बीड़ी, बाड़ी, सिगरेट। अब तू कहे तो पाउडर सिरिंज भी डाल लूं के? भाई सर जरा तकलीफ दे सकता हूँ क्या? ये एक बार तकलीफ दे के देख ले तू यार, आ जा ले ले, कर ले तकलीफ। प्लीज भाई, यार भाई सब सॉरी, आप जाओ। मेरे भाई हमें प्रोजेक्ट के टूर पर जाना है, जेल नहीं जाना है। भाई बाप सर जॉन के साथ जाओगे तो यूं समझ लो कि जेल ही जा रहे हो। मैं तो याशी करने वाला हूँ, 50 मार्क के लिए अपनी हरी भरी जवानी बर्बाद नहीं करने जा रहा के? यार काम तो तू करेगा और सर जॉन करवाएगा। तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट केयर अबाउट यू। बचपन से मैं दोस्ती रिश्ते ढूंढता रहा, तो दोस्त मिले, थोड़े पागल हैं लेकिन चलता है। और फिर तुम मिली। फिर ऐसा लगा जैसे जिंदगी जीने लायक है। देखो रश्मि, तुम मुझे मुझसे बेहतर जानती हो। मैं वो सब नहीं कर सकता हूं जो पूरा कॉलेज कर रहा है यार। आई रियली वॉन्ट टू डू दिस प्रोजेक्ट। और तुम ये भी जानती हो कि अगर तुम हाँ नहीं कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज आई लव यू टू। प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो और कुछ काम करो। गवर्नमेंट की तरह पंचवर्षीय योजना बनाओ। अब भाई ऐसी फिल्म बना के क्या उखाड़ लोगे तुम लोग? बताओ क्या उखाड़ लोगे? डेंगू के मच्छर को देखा है? करके आता है, टक करके काटता है और सू करके उठ जाता है, और एक हफ्ते बाद धम दहशत। बावड़ो ऐसी फिल्म बनाओ जिसका आफ्टर इफेक्ट हो धम, जैसे मेरा आइडिया। अब क्या करें, अपनी फिल्म से ना इतिहास में अपना नाम लिखा जाएगा, इंडिया गेट पर भी, और सनी और रवि दोनों का फायदा। क्या बात है, अब तो तुम हॉलीवुड चले जाओगे? भाई तू नहीं भी बोले ना तब भी जाऊंगा। कमाल का आइडिया, आग है अंदर आग, इंडियन सिनेमा को बदल डालूंगा, आग लगा दूंगा। कमाल का आइडिया है। जब जाके रश्मि को बताया तो पता है क्या कहने लगी? रवि बावड़े ऐसा आइडिया होता है, और रवि आग लगाएगा मेरे आइडिया पर। स्क्रिप्ट पूछ रहे थे यार। अरे बावड़ो निकलो यहाँ से, साल पूरी कहानी यही सुनोगे क्या? निकलो। भाई स्क्रिप्ट पूछ रहा था वो। चले तेरी फिल्म बनाने। है आपकी फिल्म है। उजाट बन गई पिक्चर। चलो जाना जरूरी है, जरूरी है। देखो तुम जहां भी जाओगे मुझे फोन करना। ओके करूंगा, ऑफ कोर्स करूंगा यार। I miss you. You take care of yourself. See you. Bye. Take care. Chalo. करो मेरे यारा, छोड़ो सोचना, बात करो, लाना झगड़ना, तुम ही तो हो मेरे।
चला दो भैया हैं जट्टो दा छोरा जट्टो दा छोरा आ ये क्या वैरायटी है भाई कमाल है मलाई कोफ्ता ना बटर चिकन यार रवि तो चिकन नहीं खाता ना तो भाई रवि को कौन खिलाने वाला है तो रवि के लिए दाल मंगा लो भाई दाल तो नहीं दिख रही मुझे अरे यार ये क्या है ना दाल प्लेन दाल मक्खन दाल तड़का दो मंगा लेते 2x3 कर लेते ना अरे बावड़े गांव में ऊंट चला रहा है के ऊंट सामने देख पूछ तेरी तो सारी भूख प्यास मिट गई ना शिव एक ही मौका है एक पटाके देना यार मैं पटाके देता हूं और तू हाँ में हाँ मिलाते रहियो हाँ भाई कुछ नहीं हो सकता किसी को किसी की जान की परवाह नहीं जान अरे भाई कोई तो रुको भाई 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 अरे किस जा रहे हैं उस तरफ अरे बाल उठ जा यार किले की तरफ मेरी दोस्त की जान की हुई है भाई इस तरह के रोग पास रोग रोड पे रोड जा यार कुछ क्या हुआ एनी प्रॉब्लम एक्सक्यूज मी आपने सुन लिया एनी प्रॉब्लम यस वी हैव अ प्रॉब्लम हमारा दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया और हम उसके लिए खून लेने जा रहे थे और हमारी जीप खराब हो गई अब उसे कौन बचाएगा किसका एक्सीडेंट हो गया किसको खून देना है भाई रवि का एक्सीडेंट हो गया और हम उसके लिए खून लेने जा रहे थे और जीप खराब हो गई हमारी ओए रवि तो बैठा है ना यार भाई तुझे सदमा पहुंचा है सदमा हाँ वो रवि नहीं है वो रवि नहीं है वो हरीश है ओ कौन हरीश यार हरीश व्यास जो कभी जीप नहीं छोड़ता कभी जीप नहीं छोड़ता कभी जीप नहीं छोड़ता मैम हरीश इसलिए वो हंसता खेलता रोता बैठता है जीप ओ भैया ही लव्स माय जीप इसलिए उसका नाम हरीश कितना टाइम लगेगा 2 घंटा इनके पास गाड़ी तो है इज दिस योर कार जी हाँ आप हमारे दोस्त को बचा सकते हैं पर हमारी गाड़ी में तो जगह ही नहीं है ओ कोई नहीं जी हम एक दूसरे की गोद में बैठ जाएंगे बन चुका प्रोजेक्ट नहीं नहीं मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं एक नहीं मैं दो दो बोतलें खून दूंगा मैं इसके हिस्से का भी मैं ही खून दूंगा आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए प्लीज अबे जाट तेरा खून खून मेरा खून पानी क्या हरीश व्यास मेरा दोस्त नहीं है भाई रवि का एक्सीडेंट हुआ है रवि का हाँ हाँ रवि व्यास रवि का एक्सीडेंट हुआ है आप प्लीज हमें ले चले कोई भी किसी की गोद में बैठ जाएगा आप मेरी गोद में बैठ जाना ओके ठीक है चल बे नजर से
तुझे कितने जाट दिख रहे हैं? एक दो, मुझे तीन सर नहीं दिख रहे हैं। एक दो, क्या बात कर रहा है भाई? माल मिला गिटरिंग में यार, अब सारा बना गिचू बना गया यार। यार शिव, ये क्या था भाई? क्या कर रहा है तू? बावड़ा हो गया क्या? सपना था? अरे रोड का है। ओए तेरी सपना था, जाट रुक। ओए यार शिव, तू सिर्फ इतना बोल के ये सपना नहीं था। भाई सुन, जे तू यू 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 जो कह रहा था ना, हाँ मैंने कुछ नहीं देखा, सपना था। अब चुप हो जा, बस चुप, मेरे बाप चुप। लेकिन तू मेरे सपने में क्या कर रहा था? और अभी जैकेट के नीचे सर छुपाने से क्या होगा? अरे चट बोलना, सुन, मेरा सर फट रहा है, मेरा सर घूम रहा है, अब तू चुप हो जा। ओए सिर्फ तेरा सर फट रहा है, मेरा सर नहीं फट रहा है। तू तो खून देने वाला था दोनों की। अबे तू भी पी गया? पी गया, सर फट रहा है उसकी वजह से। मैंने पिया, और तू क्या कर रहा था भाई? हाथ लगाने के लिए मैंने कहा था तुझे, मैंने हाथ लगाया, हाथ लगाया, हाथ लगाया, हाथ लगाया, हाथ लगाया। अब चुप हो जा, मेरा सर फट रहा है। लो आ गया हरीश व्यास। क्या है रवि? रवि, अरे रवि, अरे रवि यार, रुक यार, चले जीप पे तुझे बिठाऊंगा नहीं। अरे रवि जीप रोक ले यार। Let's roll with the move, mere yara. Let's roll with the move, dil dara. Khud jiyo aur jin de to. Shikwe na karo, mere yara. Chhodo sochna, bhag na rulane, jagal na, tum hi to ho, mere yara. Chhodo na yaar, chhodo na yaar. Hey, chhodo na yaar, chhodo na yaar. Hey, chhodo na yaar, chhodo na yaar. Oh, chhodo na yaar, chhodo na yaar. भाई वो मूतने गया था कहीं, भय तो नहीं गया? आ गया। क्या हुआ भैया? नहीं यार कुछ नहीं, वो हुआ। क्या हुआ भाई? क्या कुछ नहीं यार, वो यार माँ कसम नदी किनारे एक लड़की मिली। अरे यार दिखी यार। अच्छा कमाल है यार, मैं बोल रहा हूँ तुमको पहले थी फिर नहीं थी। आजा आजा भाई, तुझे और लड़कियां दिखाता हूँ। और बैठ साले, जिंदगी में लड़कियां दिखेंगी तो छू नहीं पाएगा। देखना बह के आधा हो गया। ठंड बड़ी है यार। हाँ ठंड तो है भाई। आराम से रख, गाड़ी अपनी है यार। हाँ भैया कितना हुआ? हाँ जी 10 रुपए हो गए जी। हरिपीठ का रास्ता इधर से है ना? काफी खतरनाक रास्ता है जी, अभी जाओगे? हाँ क्यों भाई, तेरे घर पे रुक जाए के? क्या मजाक कर रहे हो साहब, सही है ना? चल यार, खतरनाक रास्ता है भाई। खतरनाक से एक बड़ी खतरनाक बात याद आई, एक पिक्चर बनी थी खतरनाक। डर तो नहीं रहा? भाई गाड़ी रोक दे यार, भाई तीनों टांगे जेम हो गई हैं। अब शुरू होती हैं खतरनाक रातें। भाई बात भाई, मेरा बैग भी पकड़ा दे, थैंक यू। वेलकम टू आवर वंडरफुल होटल सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? भाई बड़ा इंग्लिश मैन है तू। जी सर, रखना पड़ता है सर, अप टू डेट। भाई बाथरूम है? जी है, राइट में वेस्टर्न और लेफ्ट में इंडियन। हो गया तो जी सर, कही सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई माल मिलेगा के? माल, माल किस किस्म का माल? पीने का माल। सर मिलेगा ना सर, 24 hours हमारे यहाँ रेस्टोरेंट चालू है सर। सर 24 hours आपको माल हर किस्म का मिलेगा। बंदा मिलेगा के? बंदा किस लिए? बंदा गेट 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 भाई, बंदा गेट
GUIDE गेड गाइड सर गाइड सर गेड गाइड हाँ सर हमारे पास बहुत सारे गाइड है सर साइट सीइंग और टेंपल भाई तेरी लैंग्वेज में गेड होगा गाइड गेड सर गाइड गाइड मिलेगा सर आपको साइट सीइंग टेंपल म्यूजियम्स और रिपीट मंदिर जाने के लिए गेड मिलेगा क्या हुआ भाई भूत देख लिया क्या सनी कहाँ है भाई फोन पे बात कर रहा होगा वो यार जितने पैसे तुम लोग फोन पे बात करने के खर्च कर देते हो ना उतने में फ्लाइट टिकट खरीद लो जाके हेलो हैप्पी बर्थडे आई लव यू कह दो आई लव यू चौधरी साहब को फोन किया भाई चौधरी साहब को फोन करूंगा तो सोचेंगे पैसे खत्म हो गए पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा है भिज्जी आदमी है यार कंस्ट्रक्शन में किसी का घर बना रहा होगा फिर भी कर ले बता दे कि सही सलामत पहुंच गए चिंता करने वाले लोग अलग होते हैं यार तेरा रश्मि के साथ आई लव यू वाला डील है सनी का डील अलग है यार मार बहन के साथ रिश्ता अलग है यार अपना डील तो बड़ा क्लियर है यार खुद को आई लव यू कह दो और खुद को फोन करके के उखाड़ लूंगा मैं भाई के उखाड़ लूंगा मैं आइए एक एक मिनट बात कीजिए ये लीजिए कौन है भाई बात करना क्या बात है हाँ शिव कैसे हो जी नमस्कार चौधरी साहब ठीक से पहुंच गए जी पहुंच ही गए जी जी रवि कह रहा था कि क्या रहा बोलना नेटवर्क नहीं आएगा शायद दो एक दिन जी रवि कह रहा था कि दो दिन नेटवर्क नहीं मिलेगा तो आप आपको मैं हेलो कह दूं जी पहुंच ही गए जी जी जीप भी ठीक है सनी भी ठीक है अपना ख्याल रखना बेटा मैं अपना ख्याल रखूंगा और बापू आप भी नहीं कह सकता यार मैं हाँ जी अंकल रवि बेटा पता नहीं क्यों रूठा रहता है ये मुझसे इसकी मां के गुजरने के बाद पता नहीं कहां कमी रह गई लेकिन तुम हो ना मैं निश्चिंत हूं आप फिक्र मत कीजिए अंकल मैं ख्याल रखूंगा गुड नाइट अंकल नमस्ते मैं तेरी जगह होता ना तो क्या कर लेता भाई क्या कर लेता यार तू जो मेरे दिल में है कह देता यहाँ के लोग सब चीजों के बारे में बात करने को तैयार हैं, लेकिन जहाँ हरिपेट मंदिर का नाम लो तो सब चुप जैसे कोई सांप सूंघ गया हो क्या केट कोट द टंकी आपका नाम सर रामदास रामदास जी यहाँ पर सारे त्योहार मनाते हैं आप लोग हम मनाते हैं जी सारे पूजा वूजा होती है होती है जी तो मतलब आप हरिपेट मंदिर भी जाते होंगे ये भी क्या अच्छा नमस्कार कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे हरिपीठ मंदिर का पता है यहाँ ना कोई मान्यता रही ना आस्था रही और शहर के लोग आके यहाँ पर गम चाल रहे हैं जो ये हरिपीठ मंदिर के वाले लोग बोलते हैं हरिपुर हम जाते हैं हरिपुर मंदिर कोई नहीं हम जानते मंदिर बार बार नहीं बोलना आप चले जाओ यहाँ आप कुछ तो बता दो हरिपीठ के बारे में
हमारे को नहीं पता भाई, आपको नहीं पता? जब छोटे थे हम तो तब जाते थे, हमें कुछ नहीं पता, हमारे को कुछ हमारा आपको बोलो ना, आप ज्यादा मंदिर के बारे में अगर आप पूछेंगे ना, उस गांव में रह भी नहीं पाएंगे, उसके अलावा कुछ आपको पूछना पूछना। तो डायरेक्टर साहब कोई खास टिप्पणी इस पे? साले 3 करोड़ का डायरेक्टर बनूंगा एक दिन, समझ रहे हो? जी आपके यहाँ पर तो त्योहार मनाते होंगे? हाँ जी। पूजा कैसे करते हैं? व्रत करते हैं जी, पूर्णिमा जी की पूजा करते हैं। और हरिपीठ मंदिर के बारे में कुछ मालूम नहीं है जी? ये कुछ तो पता होगा आपको। आप नमस्कार जी, ये हरिपीठ मंदिर है उसके बारे में कुछ कुछ कहता क्यों नहीं? थोड़ा सा अरे 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 क्या बात है यार, क्या पूछ रहे हैं यार? एक पूछ रहे हैं, पूछ रहे मंदिर के बारे में, कितनी बार बोला, थोड़ा जोर से बोला कर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ले, बाद में डबिंग करेगा। चौधरी बन रहा था तू, टोकता नहीं ना तो सर फोड़ डालता उसका। चल छोड़ना यार, यहाँ पे तो और कुछ मिलने वाला है नहीं, यहाँ से निकलते हैं यार। रवि अब हम इतनी दूर आए हैं तो मंदिर तो जाएंगे, क्योंकि हमें जो कुछ भी पता चलेगा वो वहां के पुजारी से पता चलेगा। आप लोगों ने गाइड के लिए बोला था? हाँ। मिल गए, 1300 रुपये मांग रहे हैं। लेट्स गो गाइस। गाइड भाई। हाँ सर। ये जो सब मंदिर के बारे में कहते हैं, यू नो भूत प्रेत के बारे में, क्या ये सब सच है? अभी तो आप हंस रहे हो साहब, पर एक बात बता दूं, वहां से वापस नहीं आया कोई आज तक। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ चल शिव, इसको उतार, आगे ला। चल चल चल। अरे लेकिन सर बैठ। लेकिन अबे सुनो गाइड के देवानंद, हम क्या जौनपुर से आए हैं? जितना पूछे उतना जवाब दो, समझे? अबे चुप। मंदिर का क्या हिसाब है? अब देखिए साहब, 10 मुंह 10 बात। वैसे मंदिर की बहुत मान्यता थी एक समय में, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन 8-10 साल पहले क्या एक हादसा हुआ। क्या हादसा? एक लड़की को कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से मार दिया। सुनने में आया कि टूरिस्टों का हाथ था उसमें, लेकिन साहब मैं एक बात जानता हूं कि यहां से आगे जो भी गया, कुछ भी जानने के लिए गया हो, वापस कभी नहीं आया, बताने लायक भी नहीं बचा। अच्छा सुनो एक बात बताओ, ये मंदिर के पुजारी को एक कहानी पता है, वो बता सकेंगे हमें? अब साहब पुजारी के बारे में सुना तो है। चल शिव, चल बैठ 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 बैठ। चल चल, कितनी दूर है यहाँ से मंदिर? 20 किलोमीटर होगा साहब। भाई भूत प्रेत आएंगे तो उन्हें भी दारू पिला दूंगा। चल तो उठ। कैसा मजाक कर रहे हैं साहब आप? जीप रोक दो साहब। यार ये तो फिर पैंट गिली करने लगा यार। मंदिर आ गया साहब। ये बात तो सुन। मंदिर आ गया। गाड़ी क्यों रुका रहा है तू? रुक रुक जीप रोक। रवि गाड़ी क्यों रोक रहा है इसके कहने पर? रुक साहब। सुन ओए हेलो। अरे ये भाई क्या हुआ यार? क्या हो गया इसको? यहाँ कहीं मंदिर ना दिखे मुझे तो गाड़ी क्यों रुकवा दी तूने? साहब यहाँ से आगे कच्चा रास्ता जाता है, आगे जाके दाई मुड़ेंगे तो 2 मील की दूरी पर मंदिर है। अब आप लोग जाओ साहब। अरे मंदिर तक छोड़ने को बोला था ना। आप
आप लोग जाएगा मतलब क्या है? आप नहीं छोड़ेंगे मंदिर तक? देखो साहब, हमारे गांव का कोई भी आदमी यहाँ से आगे नहीं जाता। मैनेजर ने नहीं बताया आपको? अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे? शिव, इसको देना 500 रुपए और। साला बावड़ा भूत, ये ले 1000 रुपए, रास्ता बता और चल। देखो साहब, अब अगर आप मुझे 10,000 भी देंगे ना, तब भी मैं आगे नहीं जाऊंगा। हमारे गांव का कोई भी आदमी यहां से आगे नहीं जाता। ये लीजिए, अब आप लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। चल छोड़ शिव, चल आज। यहां से कट ले, वरना जितने पैसे दिए हैं ना, छीन लूंगा तुझसे। ये चल छोड़ना यार, क्या कर रहे हो आप जी? कैसा कैसा आदमी लोग आ जाते हैं, अरे खुद तो मरेंगे, मुझको भी मारेंगे। अब मैं हूँ आपका कोई नहीं बचेगा गाइड। कम ऑन बॉयज, दो मील कहा था, ऐसा लग रहा है 2 दिन से चल रहा है। यार शिव, यहाँ कोई मंदिर वंदिर है नहीं? तेरी गेट ने ना जी मार दी, बजा दी। यार मेरी बात सुनो यार, वापस चलते हैं, गेट के जी भी ठुड्डा मारते हैं। हाँ। और चाइल्ड लेबर पिक्चर बनाते हैं। हाँ यार, वैसे भी इस देश में बहुत चाइल्ड लेबर है। चल बेटा। सुना? यार यहाँ पे तो कोई है नहीं। अबे अंधे, देख। हेलो, आपसे। हेलो 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 हेलो, अबे भाई साहब बात तो सुनिए। हेलो, अरे कमाल का आदमी है यार ये। अरे मैं उसे गोद में ले लेता क्या? अबे अबे तू नमस्कार, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम लोग दिल्ली से आए हैं, फिल्म स्टूडेंट्स हैं। बहुत सुना है इस मंदिर की मान्यता के बारे में, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हम लोग कर लेते, एक प्रोजेक्ट बना रहे हम लोग, तो बहुत मदद हो जाती हमारी। देखिए यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। अच्छा पुजारी जी, अगर हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकें तो? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा अगर हम पूजा को ही रिकॉर्ड कर लें तो? देखिए भगवान की जगह है, थोड़ी हमारी भी मदद हो जाएगी, हमारी एक प्रोजेक्ट की छोटी सी फिल्म है वो बन जाएगी। डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम? हम नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम साइड में शूट कर लेंगे। सुबह सूर्य उदय पर आप आ सकते हैं। अबे रवि साला जा रहा है यार, बात कर। अच्छा पुजारी जी, अगर हम यहीं कहीं, असल में क्या है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, वापस गए तो सूर्य उदय तक वापस नहीं आ पाएंगे। चलो भाई।
शिव क्या हो क्या हो टेक वन नयनन चंदनी सस्यानी नयनन दत्ती नयनन चंदनी सस्यानी नयनन दत्ती गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात गुरु साक्षात् तस्मै श्री भवान् दयानन्द सकल बुद्ध ज्ञान भवान् जय जगन जय सकल बुद्ध ज्ञान जग 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 अंदर तो कुछ नहीं है, लंगड़े का कमरा भी खाली है, मूर्तियां घूरती हैं। मतलब घू हम मां भवानी आपकी रक्षा करें। बस सुन जी, शुक्रिया। उम्मीद है जिस काम के लिए आप आए थे वो हो गया होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू महाराज। एक बात पूछनी थी आपसे। जी कल रात को हम यहाँ सो रहे थे और हमें अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कुछ लड़के भाग रहे हैं एक लड़की के पीछे, लड़की चिल्ला रही है, और उसके बाद हमने एक लड़की को खिड़की के बाहर रोते हुए देखा, और अचानक फिर वो लड़की गायब। कुछ पता? मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूं, न मैंने कभी आवाज सुनी पर ना मैंने कभी किसी को देखा, लेकिन पुजारी जी हमने रात को लड़की को देखा। आपका काम समाप्त हो गया, अब आप जा सकते हैं। जी अजीब आदमी, आंखें भी दी हैं भगवान ने, कान भी दिए हैं, कहता कुछ देखा सुना नहीं। चलो यार निकलते। तो डर मत था सनी, वो दूसरा बैग सनी भाई रेल बिछा देंगे। जाटों में कहते हैं कि अगर भूत देख लो तो दिया जला दो। अब तुम्हारे एरिया में छोटे दिए मिलते हैं ना, तुझे रोहतक से बड़ा दिया दिलाता हूँ। वो पुजारी को देखा कैसे घूर रहा था जैसे खा जाएगा, और वो लंगड़ा तू कह तो जाके ठोक दूं क्या? ऐसा लगा कि एक आंख से खा जाएगा भाई। मार देता तू कहता तो। अरे रवि बात सुन भाई, उस तरह से आए थे वहां के घूर रहा है तू? ये जंगल में के घूर रहा है यार? क्या बात है भाई? कुछ तो है इस जंगल में। जंगल में कुछ है? जंगल में जाने में रुकने का इरादा तो नहीं है यार, साला माल खत्म हो जाएगा।
यार रवि, हम लोग जंगल के अंदर तो घुसते जा रहे, लेकिन वापस जाने का रास्ता मिलेगा? बात तो ठीक कर रहा है यार, चौक है क्या? चौक भाई, दारू का काम मेरा था, चौक का तेरा काम था। चौक तो नहीं है मेरे पास, स्प्रे कैन है। जी नमस्कार, मैं हूँ शिव जाट चौधरी, हरिपीठ जंगल से डायरेक्ट। पिछले 6 घंटों से हम बावड़ों की तरह इन जंगलों में घूम रहे हैं, और अब इन समझदारों को ये आइडिया है कि हमें वापसी का रास्ता मार्क करना चाहिए। इस तरह ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब मैं बन गया आर्ट डायरेक्टर, और मैं स्टिल फोटोग्राफर। चल अबे चल जाट। अबे शिव, तेरा लड़की पटाने का हर तरीका गलत होता है। तूने कहा था कि जब भी किम को देखेगा तो अटेंशन देना। यार मैं जब भी उसे देखता हूँ तो अटेंशन देता हूँ, यार अजीब तरीके से देख के चली जाती है। अरे बावड़े, मैंने तुझे कहा उसे देख के अटेंशन देना, अटेंशन में खड़े मत हो जाना। अच्छा वो वाला टेंशन भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता यार। यार रवि, रवि तुझे जंगली शूट करना है ना, तो हमें जानवर बना के शूट करना। मैं कुत्ता और मैं बिल्ली। यार तू साले अभी फटरी जा हंस रहा है। एक भाई सनी, तू डर थूक दे वरना तू मुंह देगा। देख भाई, फिल्म स्कूल से पहले मैं जंगल स्कूल में था। सुन सुन सुन, फिल्म स्कूल से पहले मैं जंगल स्कूल में था, तू डरा मत कर। वहां पर हम जानवरों को सिखाते थे कि लोग कैसे डराते हैं। कुत्ते को देखा ना तूने, कुत्ता भौंकता है चांद पर, चांद डरता तो नहीं है? और तू हमारा चांद है, तू डरा मत कर। जैसी कुत्ता देखे ना हूं कर देना। क्या बात है भाई, जी में दर्द है क्या? यार पहाड़ों पर चलने की आदत नहीं है ना। एक्शन हीरो यार, कितना चले यार। शिव हम तो रोजाना चलते जंगलों में। रवि देखो रश्मि, मैंने उन्हें पहले ही मना किया था कि वहां जाना डेंजरस है, पर वो अपनी जिद पे अड़े रहे। आई नो आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वी कैन डू नथिंग, वी जस्ट हैव टू वेट रश्मि। व्हाई सर? मैं उन्हें वहां जाने से रोकने की हर कोशिश इसलिए करता रहा क्योंकि 8 साल पहले उसी जंगल में, उसी मंदिर के पास मैंने अपने दोस्त को है। एक्सक्यूज मी सर, वी आर कमिंग, सी यू लेटर। भाई इस ट्रिप के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हमारा सनी बड़ा हो जाएगा। क्यों, बड़ा तो हो गया ना। चल यार। ठंड में अक्सर ऐसा होता है बावड़े, पानी छोड़े घूट पी ले, दो दो दिखेंगी, दो घूट पिएगा चार चार दिखेंगी। जब बेटा पी ले। अबे तू पीना छोड़ देगा, तुझे सच्चाई दिखेगी। क्या दिखेगी? यार रवि एक बात कहना चाहता हूँ। वो लड़की जो हमने मंदिर में देखी थी ना, उसी लड़की को मैंने नदी किनारे देखा था। साले गोद में बिठा लेता, ठीक हो जाएगा तू। उस रात को उस मंदिर में मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक लड़की भाग रही थी, उसके पीछे पीछे कुछ लड़के भाग रहे थे,
पर वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। ऐसा लगता है जैसे अनसुलझी कड़ी। हमारा यहाँ आना, उस लड़की का हमें दिखना, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाह रही है, समझ में नहीं आता क्या। उन लड़कों में से कोई दिखा? रवि को आंधे दोनों मिलके साथ में मिलके तेरी भूल जाएंगे। रुक, एक रवि को आंधे देख, रवि आ गया। आजा रवि, रवि को पकड़ के मत, हाँ पकड़ तू। हरी तो मैं नहीं वो डरा रहा। क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है यहाँ पे? वो डरा रहा था साला, भूत बन रहा था। बोलो, मैं नहीं सनी, तेरी बहुत डरा रहा था। तूने कुछ किया होगा? नहीं रवि, रुक मार। Thank you.
तभी एक बात बोलूं। बोल। छोड़ यार, जाने दे। एक काम कर, तू जाके सो जा। Don't worry, I'm there. कसक उठी मेरे
पिया मुझे गले लगा ले। ये सब क्या है? मुझे लगता है ये उन लोगों की इमेजेस हैं जिन्होंने उस लड़की को मार के छोड़ दिया था। गेट कह रहा था कि 5, 1, 2, 3, 4 चलना यहां से। 5 है ना? रवि बात सुन, साले गेट छोड़ना यार रवि, यहां से निकलते हम लोग। चलना यार रवि, चलना, लेट्स गो। शिव चल रवि। क्या यार ये?
We are not going to die. Yes, we are. No, we are not. Yes, sab iske wajah se hua hai. Pavde. Sara din peeke tun rehta hai. Sare marking galat kar diya isne. Sale, tere baap ki pita kya main hai? Sale, darpok hai? Shiv, bohot ho gaya, Shiv. Darpok, Sale. Sale, darpok to tu hai. Isliye to sara din pee aa rehta hai tu. Sale, maa. Shiv, Shiv, Shiv. Sale, Shiv, bohot ho gaya. Shiv, Shiv. Kya kar lega tu? Kya kar lega tu? Sale, Sale. Ravi, tu bees mein mat bol. Kyun na hu? ये सब गलती तेरी है। क्या है गलती मेरी यार? फिल्म बनाएगा। बनाऊंगा। आग लगाएगा। लगाऊंगा। लगाई आग। सनी, साले हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे रोने वाले हैं। तेरे पीछे रोने वाला कौन है यार? कौन है तेरे पीछे रोने वाला? पहली बार सही बात की है तूने। कभी साले सही तो कह रही है। अगर साले हमें यहां कुछ हो गया तो साले इसकी निक्की है, मां है, मेरा बापू है, तेले साला कौन रोएगा है? है? माँ, आज तेरी बहुत याद आ रही है।
पता है आज मैं और शिव लड़ बैठे। शिव मारने आया था मुझे, और मुझे तो बुरा लगा, लेकिन मैंने आज रवि को अनाथ कह दिया। मां रवि भाई बात सुन ले यार, एक बार बात तो सुन ले भाई यार। सुन, या तू जाट को माफ कर दे या धकेल के मार दे। साले तेरी हर बात सुनी मैंने आज तक, घर जाने को कहा घर गया, पापू से फोन पे बात करने की बात की ना यार, कल लगा दो वापस जाके यार। सुन बताए, सालों से गलती हो गई यार भाई, माफ कर दिया। साले अब रुला मत देना, गलती होगी भाई माफ करते। क्या ऐसे नहीं भाई, ऐसे माफ नहीं करते। तो फिर कैसे करते? खड़े ला के माफ कर दे यार, माफ कर दे भाई, माफ कर दे भाई। साले तुम दोनों दोस्ताना दोस्ताना खेलोगे और मैं दीवार। अरे दीवार के त्रिशूल आ जा, माफ कर दे यार। माफ कर दे भाई, सॉरी यार। रवि वो लड़की शिव चल, अरे भाई रोक रोक साले, पकड़ पकड़ उसे। कैसे हो रवि? शिव और सनी वो कहाँ है कुछ पता नहीं, पुजारी जी ने हमें बताया कि तुम मंदिर के पास अकेले ही मिले थे। कैसे हो सकता है, मैं गिरा था और शिव और सनी तुम मुझे यहाँ लेके आए? नहीं रवि, तुम वहां अकेले ही थे और पुजारी जी ने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा। इम्पॉसिबल भाई, सुन ले सुन ले, तुझे कुछ नहीं होने वाला, बचा लेंगे हम तुझे, हॉलीवुड ले जाएंगे तुझे। भाई यार भाई दिमाग भारी है इसका, फिर इतना हल्का नहीं है, उठा चले चले। देखो रश्मि, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इस फुटेज को बार बार देखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, चाहे वो शिव हो, चाहे वो सनी हो, चाहे वो जंगल हो, कुछ भी हो। पुजारी जी, रवि जो कह रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। ये केवल उनके दिमाग का वहम है। मेरा वहम है? अगर मैं आपको साबित कर दूं तो? चलिए
ये वो जगह थी जहां पर हमने कैंप फायर किया था, यहां पे, दिस इज द प्लेस। और हम सुबह उठे तो यहां इमेजेस थी, यहां इमेजेस थी, और ये सब मार्क्स लगे हुए थे, यहां भी इमेजेस थी, यहां भी इमेजेस थी, छह इमेजेस थी सारी। और ये जगह है जहां से हम उस तरफ को भागे थे, इस तरफ को। आई कांट बिलीव दिस पुजारी जी, मैं रश्मि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जगह देखने को जाए। ये सामान हमारा ही है ना, यही वो जगह है जहां पर हमने आग जलाई थी। शिव और सनी वहां बैठ के अपने कन्फेशंस रिकॉर्ड कर रहे थे, और उसके बाद हमने इस जगह पे हग किया और सडनली एक आवाज सुनाई दी उस तरफ से। उस तरफ से एक आवाज आई, सनी जोश में आके इस तरफ को भागा, शिव उसके पीछे भागा, और मैंने यहां से टॉर्च उठाई, कैमरा उठाया और इस तरफ को भागना शुरू किया, सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए। टॉर्च मेरे हाथ में थी और मैं भागे जा रहा था उनके पीछे, एंड सडनली याद आ रही। पता है मैं और शिव, लड़ बैठे मां, और रवि, को मैंने अनाथ कह दिया मां, अनाथ। हमारे होते हुए क्या रवि अनाथ हो सकता है मां? नहीं ना मां, सॉरी यार, मैं तेरी बात मां से नहीं कर पाया। मां, अमित बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत चाहता है उसे, खुश रखेगा उसे। आप एक बार अमित से मिल तो लो मां। मां मुझे माफ कर दो, जाते वक्त आपसे ठीक से मिलकर भी तो नहीं गए, मुझे माफ कर दोगी ना मां?
भाई अगर एक चीज तू दे दे आज तो मैं कहूंगा बापू से मिलवाते, गले लगना चाहता हूं, रोना चाहता हूं मैं। पप्पू जाट रो सकते हैं, बप्पू तूने सब कुछ दिया, प्यार दिया, लेकिन साला खूट समझ ना पाया। पप्पू इस बार बहुत दूर दौड़ गया मैं, जे माले पर हार ना लगाई, यूं समझ लेना कि जाट जो है नौटंकी करने निकल गया, जो लौट कर आ जाएगा। चौधरी साहब, बेटा आपका नालायक निकला, मगर आपसे प्यार बहुत करता है। मेरी फिल्म तो बनी मगर किस कीमत पर? जिंदगी तो यूं भी चलती रहेगी लेकिन एक कमी हमेशा रहेगी। चल पड़े रास्ता, जो सोच लेना है वो कर ही दे।